तो हेलो भाई, राम राम। कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हमारे पास इस वीडियो में दो दो गाड़ियाँ खड़ी हैं जो कि दोनों बिल्कुल अलग अलग सेगमेंट में हैं। एक होने वाली है सब कॉम्पैक्ट SUV और एक होने वाली है सब कॉम्पैक्ट सेडान। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों की जो प्राइस रेंज है वो लगभग लगभग सिमिलर है। ये है हुंडई वेन्यू का एस वेरियंट पेट्रोल और ये है हुंडई ओरा का एस वेरियंट CNG प्लस पेट्रोल। बाकी अगर बात करें ट्रांसमिशन की तो ये अपने को हुंडई वेन्यू पेट्रोल में मिल जाती है, डीजल में मिल जाती है। पेट्रोल में इसमें 1.2 लीटर का इंजन मिल जाता है, डीजल में 1.5 लीटर का इंजन मिल जाता है। प्लस ये आपको टर्बो में मिल जाती है, पेट्रोल में 1 लीटर इंजन में एंड टर्बो में जो है आपको डीजल मिल जाएगी। बात करें हुंडई ओरा की तो ये जो ओरा है भाई, ये आपको पेट्रोल में मिल जाएगी, डीजल में मिल जाएगी, प्लस CNG ऑप्शन में भी आपको ये गाड़ी अवेलेबल हो जाती है। अब यहाँ पर अपने लिए सेगमेंट चुनना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है अपने आप में, और मुझे जस्ट अभी रियलाइज़ हो रहा है कि आप लोगों के ये वीडियो बनाने के लिए गाड़ी हमने ऐसे लगा दी है कि मेरे को बीच में से निकलने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो खैर, इसको मैनेज कर लेंगे। बात करते हैं सेगमेंट की दोस्तों। तो ये सब कॉम्पैक्ट सेडान है। सब कॉम्पैक्ट एक सेगमेंट होता है, कॉम्पैक्ट अगर सेडान की बात करो एक सेगमेंट होता है। ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं लॉन्ग ड्राइव के लिए, हाईवे के लिए, क्योंकि इन पे बेसिकली जो सब कॉम्पैक्ट गाड़ियाँ होती है या सेडान गाड़ियाँ होती हैं तो इनकी बेसिकली ग्रिप रोड पर बहुत प्यारी मिलती है। आपको जो परफॉर्मेंस एंड जो कम्फर्ट मिलेगा, बेसिकली जो आपको सिटिंग पोस्चर मिलेगा, जो जिस तरीके का आपका ओवरऑल ट्रिप एक्सपीरियंस होगा, वो सब कॉम्पैक्ट सेडान में बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलती है कम, जिसमें आपको रोड प्रेजेंस ज़्यादा फील होगी, रोड से गाड़ी चिपक के चलेगी। एंड बेसिकली ज़्यादातर लोग कंफर्ट के हिसाब से ही या ड्राइविंग प्लेजर के हिसाब से ही सेडान को प्रेफर करते हैं। वहीं दूसरा सेगमेंट आता है SUV या सब कॉम्पैक्ट SUV, फिलहाल हम उसकी बात कर रहे हैं। तो सब कॉम्पैक्ट SUV के थोड़ी सी ऊँची होती है, थोड़ी सी आपको ऐसे देखने में ऐसा बल्की लगेगी। एंड दूसरा मेन रीज़न होता है कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होती है। ज़्यादातर लोग सब कॉम्पैक्ट SUV की तरफ तब जाते हैं जब उन्हें ये चाहिए होता है कि यार थोड़ी सी बड़ी गाड़ी लें, थोड़ी सी ऊंची गाड़ी लें, या ऐसी गाड़ी लें जो गड्ढों वड्ढों में ना लग जाए। क्योंकि कई बार जैसे कि हम अभी पाटन में RJ17 और UP17 बड़ौत की ये गाड़ी है, तो आप इंडिया में कहीं भी चले जाओ हर तरीके की रोड्स आपको मिलेगी, बिल्कुल अच्छी रोड्स आपको बिल्कुल भी कहीं नहीं मिलेगी। तो कई बार होता है कि मेरे को इस गाड़ी को कई बार ऐसा सोचना पड़ जाता है कि यार ये ऊंचाई है, क्या पता गाड़ी टच ना हो जाए 165 mm की क्लियरेंस के चक्कर में। वहीं पर सब कॉम्पैक्ट SUV होने की वजह से इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ जाती है, और इसी वजह से ज़्यादातर लोग इसको जो है प्रेफर भी करते हैं कि यार सब कॉम्पैक्ट SUV ले लेते हैं, हमारे जो है गाँव में भी बढ़िया चलेगी, कहीं जाना हो तो वहाँ भी दिक्कत नहीं आएगी। ऊपर से एक नया ट्रेंड चल रहा है इंडिया में, लोग प्रीफर कर रहे हैं कि नॉर्मल हैचबैक गाड़ी क्यों लें, नॉर्मल ऐसी गाड़ी क्यों लें, थोड़ी सी ऊंची गाड़ी लेते हैं, क्योंकि सब कॉम्पैक्ट गाड़ियां आपको दिखने में ऊंची लगेगी। एंड आप देख सकते हो दोनों गाड़ियों का प्राइस सेम है, लगभग रेंज सेम है, इनका सेगमेंट अलग है, बट बल्कि आपको ज़्यादा से दिखाई दे रही होगी हुंडई वेन्यू, इसी वजह से लोग इसकी तरफ जाते हैं। अब यहाँ पर इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और क्लियरिफाई करता हूँ आप लोगों के सामने। अगर मैं आपको इस साइड से दिखाऊँ तो आप अगर इधर आके देखोगे आपको बल्किनेस दिखेगी डेफिनेटली हुंडई वेन्यू में बहुत ज़्यादा, एंड दिखने में ऊंची भी लगेगी। बट यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, और वो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि SUV सब कॉम्पैक्ट SUV होने का मतलब ये नहीं है कि उसमें आपको स्पेस भी ज़्यादा मिलेगा। स्पेस डिपेंड करता है कार की लेंथ में, और कार की लेंथ ऑब्वियसली आपको सेडान में ज़्यादा मिलती है, या अगर MPV हो गई उसमें आपको ज़्यादा मिलेगी, या कोई बड़ी कार होगी जैसे मिलेगी। जैसे कि आप मान सकते हो ये आपको सब कॉम्पैक्ट जो SUV है पीछे आपके तरफ खड़ी हुई है सियाज, एंड ये एक सेडान कार है, तो इसमें आपको स्पेस जो मिलने वाला है सब कॉम्पैक्ट कार से कई गुना ज़्यादा स्पेस, मतलब कई ज़्यादा बेहतर स्पेस मिलने वाला है। पीछे से आप लुकिंग की बात करोगे, ये जो है वेन्यू है और ये खड़ी है ओरा, आप इनकी लेंथ देखो। अगर मैं आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाऊं तो आपको लेंथ जो दिखने में ज़्यादा लगेगी सब कॉम्पैक्ट सेडान की लगेगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कम्फर्टनेस की, तो आपको ज़्यादा कंफर्ट मिलने वाला है सब कॉम्पैक्ट सेडान में। अगर आपको अपनी फैमिली के लिए ऐसी गाड़ी चाहिए जिससे आप रोड ट्रिप कर पाओ, तो मेनली इस चीज़ की वजह से इंसान सब कॉम्पैक्ट सेडान की तरफ या सेडान की तरफ जाता है, जिसको ड्राइविंग प्लेजर चाहिए होता है, जिसको गाड़ी चलाते हुए उस तरीके की फील चाहिए होती है। और सेम चीज़ मिलती है आपको इस गाड़ी में भी, दोनों सेम कंपनी की गाड़ी है, दोनों में सेम इंजन का जो है इस्तेमाल हुआ है। डीजल इंजन भी मिलता है, पेट्रोल इंजन भी मिलता है, जो परफॉर्मेंस मिलने वाली है वो सेम मिलने वाली है, लेकिन इनका डायमेंशंस अलग हो जाता है। ये कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल हो जाती हैं सेडान गाड़ियाँ अगर हम कंपेयर करें SUVs से या सब कॉम्पैक्ट SUVs से। इनमें थोड़ी सी बॉडी रोल के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हाईवे पे एकदम से अगर टर्न करना हो या कुछ ऐसा रोटेट करना हो तो ये ऊंची ज़्यादा, उस वजह से एक साइड झोल मार जाएगी, वो वाला प्रॉब्लम इसमें जो है सब कॉम्पैक्ट आपको SUV सेगमेंट में देखने को मिल सकती है। व्हाइल ड्राइविंग द सब कॉम्पैक्ट सेडान, कई बार सेडान SUV बोल रहा हूँ तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ मैं, तो सेडान में आपको वो चीज़ नहीं मिलती। काफ़ी प्यारे तरीके से आप कटिंग कर लोगे, बॉडी रोल की प्रॉब्लम आपको बहुत कम मिलेगी, मतलब
कंपेरेटिवली इस सेगमेंट के काफ़ी ज़्यादा कम मिलेगी। तो सेम प्राइस रेंज में आपको दो गाड़ियाँ मिल रही है दो अलग अलग सेगमेंट में, एक जो है कॉम्पैक्ट एसयूवी है, एक कॉम्पैक्ट सेडान। तो यहाँ पर दोनों को आप लोगों को सोच समझ के डिसाइड करना है कि आप लोगों के अपने लिए कौन सा सेगमेंट चुनना है, क्योंकि इंजन सेम है, स्पेस आपको सेडान में ज़्यादा मिलेगा, ऊंची जो है आपको एसयूवी ज़्यादा मिलेगी, एंड एक चीज़ होता है ड्राइविंग फैक्टर, वो आपको बेटर फील होता है एसयूवी में, क्योंकि एसयूवी में आप थोड़ा सा ऊंचा बैठते हो, आपको लगता है बल्की गाड़ी है, आपको रोड थोड़ा सा ऊपर से दिखाई देती है, और ये ट्रेंड में भी है, हमारे इंडिया में ट्रेंड में भी है। लेकिन मेन जो चीज़ होती है, मेन कंसिड्रेशन इंसान गाड़ी लेने के साल दो साल तीन साल बाद में जब उसको पता चलता है ना कि यार मेरे को एग्जैक्टली ये चीज़ चाहिए, जैसे हमारे जिस दोस्त की ये गाड़ी है उनकी ज़्यादातर रनिंग होती है हाईवेज़ पे, तो हाईवेज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेटर, अगर वो इसकी जगह कोई सेडान गाड़ी लेते तो हाईवेज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेटर हो, बाकी परसेंट टू परसेंट भी डेफिनेटली ये चीज़ डिपेंड करती है। ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए इसी वजह से लेके आऊँ ताकि आप लोगों के मन में थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाए कि यार कौन से सेगमेंट की गाड़ी लेनी है, क्योंकि हैचबैक हो गई, फिर सेडान हो गई, फिर कॉम्पैक्ट सेडान हो गई, कॉम्पैक्ट एसयूवी हो गई, एसयूवी हो गई, एमपीवी हो गई, दुनिया भर की गाड़ी आने लग गई है, एंड सेम प्राइस रेंज में जो है कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पर अपने कंफर्ट को देखिए, स्पेस को देखिए, क्योंकि सेम रेंज में अगर मैं दोनों गाड़ी की बात करूँ तो इसमें अपने को बहुत ज़्यादा बेहतर स्पेस मिलता है कंपेरेटिवली इस गाड़ी के, ये चीज़ यहाँ पर होने वाली है। तो कौन से सेगमेंट की आपको गाड़ी लेनी है, ये चीज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा सोच समझ के मेरे हिसाब से डिसाइड करना चाहिए। गाड़ी लेके देखो, चला के देखो, ये देखो आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, आपको सिटी में गाड़ी चलानी है ज़्यादातर या हाईवेज़ पे चलानी है, उस हिसाब से आप लोगों को देख लेना चाहिए कि आप लोगों को अपने लिए किस सेगमेंट की गाड़ी चुननी चाहिए। ये वीडियो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इसीलिए लेके आया था ताकि ये चीज़ थोड़ी सी आप लोगों के लिए क्लियर हो पाए, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि यार मतलब यही आता है ज़्यादातर सेगमेंट का जो है कन्फ्यूज़न रहता है लोगों के दिमाग में, इस वजह से ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अगर हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि इस तरीके की वीडियोज़ आप लोगों के इस चैनल पर आती रहती है। इसके अलावा कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आप ही लोगों का चैनल है, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम हैंडल आप लोगों को यहीं कहीं पर दिख रहा होगा। तो ठीक है भाई, फिर मिलते हैं इस तरीके की वीडियो में, राम राम।